हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन माई स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोग को एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। देखिए, एकदम सिंपल वे में एकदम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग को एकदम बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। देखिए, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक है, सिंपल इस क्वेश्चन को सिंपली हम आप लोग को एक तरीका बताते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसको, देखिए सबसे पहले एम है, एम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 100 प्लस माइनस m इंटू 100। अब देखिए इसमें इससे होगा क्या, आप लोग को सिंपली बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए अगर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो 50 सिंपली लिख देंगे, और 50% कम है बोला है ना, तो 100 में से 50 घटा देंगे। ठीक है, 50 घटा देंगे। अगर यहीं पे कहेगा 100% अधिक, 50% अधिक है तो यहाँ पे 100 में 50 जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे 100 लिख देंगे। सेम टू सेम वैसे ही देखिए, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो सिंपली हम लोग 50 लिख देंगे, एम मान लेंगे इसको। ठीक है, एम मान लेंगे 50%। उसके बाद देखिए 100, आ देखिए कम है कह रहा है तो 100 में से 50 घटा देंगे, आ गुणे में लिख देंगे 100 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 50, अब बट्टा में देखिए ये 100 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 50 से 50 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100, 100 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया है, तो 20 ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा देखिए 50 यानी 100% आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार है, थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंजिंग किया है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की कीमत कितने परसेंट कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, खर्च ना बढ़े, सेम टू सेम उसी फार्मूला पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग फार्मूला उसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में बस एम बटा 100, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 25 20% वृद्धि करने पर, तो प्लस एम लिखेंगे इंटू 100। ये हम लोग का एक प्रकार का ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक का अप्लाई करिएगा सिंपली। देखिए 20 है तो 20 लिख दीजिए, अब बटा में देखिए 100, आप प्लस कितना लिखिएगा 20% वृद्धि कह रहा है, गुने में 100। ठीक है, यानी 20 अब बटा में कितना हो जाएगा 120, गुने में कितना हो जाएगा 100, 10 से 10, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 50 दूना 100 या 3 दूना 6, यानी हम लोग का आ गया कितना, हम लोग का आ गया 50 अब बट्टा में 3। ठीक है, 50 बट्टा में 3 भाग दे दीजिए, तो देखिए भाग देते हैं हम यहाँ पे, 3 एकम 3, तो ये 2, ये 0 उधर जाएगा, 3 6 18, यानी 2, यानी 16.2/3%, 16.2/3%, ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकदम सिंपल वे में कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35%, देखिए 35% है, ठीक है 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आपको इसको समझाते हैं क्वेश्चन। देखिए देखिए 35% अंक लेने होते हैं, लेकिन इसमें 40 अंक मिला और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, देखिए कोई भी अंक आप बताए थे, कोई भी चीज़ में अपने में 100% होती है, कभी भी देखिए अंक भी होता है तो 100% के ही होता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखिए 35% अंक लेता है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, देखिए 35% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 35% अंक लेने होते हैं, माने उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या करता है, अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 40 अंक तो ऑलरेडी था लेकिन 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो 30 जोड़ देंगे, तभी ना पूरा 35% के बराबर ये हो जाएगा, समझ रहे ना। तो देखिए 35% बराबर कितना हो जाएगा 70 अंक। ठीक है, हमको लाना क्या है, हमको लाना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100 अंक ना होता है सबसे पहले, अब देखिए 100 अंक का हमेशा परसेंटेज में होता है, 100% होता है, तो अधिकतम अंक अभी अधिकतम अंक नहीं निकला है, सबसे पहले 100% निकालेंगे, क्योंकि कोई भी अंक अपने में 100% होता है, बराबर एक्स लिख देंगे या वाट लिख देंगे, वाट। ठीक है, अब इसमें इससे गुना करेंगे
तो x बराबर लिख देंगे, देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो 70 गुने में 100 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 35, 35 35 गुना 70 यानी 200 कुल पूर्णांक थे। 200 हमारा कितना थे, तो कुल क्या कर रहे अधिकतम अंक कितने हैं, यानी 200 हमारे कुल पूर्णांक हमारे आंसर हो गए। ठीक है, कुल पूर्णांक हमारे कितने थे 200 अंक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा एकदम इस चैनल पर, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी एकदम ट्रिक के साथ बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बेस्ट तरीका द्वारा आपको बताएंगे कि कभी भी दिक्कत ना होगा इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं, देखिए कह रहे हैं 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 3% रह जाए, 30% रह जाए। ठीक है, 30 देखिए कह रहा है क्या कि 50% अम्लीय अम्लीय 3 लीटर द्रव में कितना 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 50% अम्लीय कह रहा है, सिंपली हम लोग लिख देंगे 50% अम्लीय। देखिए 50% अम्लीय है, 50% अम्लीय में क्या कह रहा है कि उसमें देखिए 9 लीटर द्रव मतलब 9 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए, प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे पानी मिलाया जा रहा है तो बराबर हो जा रहा है कि कितना अम्लीय सांद्रता 30% रह जाता है, यानी 30% क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है, 30% अम्लीय सिंपली हम लोग लिख दिए। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या करेंगे, ट्रिक में अपनाएंगे क्या हम लोग, ये देखिए यहाँ पे अम्लीय है, यहाँ पे भी अम्लीय है, लेकिन यहाँ पे क्या है पानी है, सबको एक तरी एक बनाएंगे हम लोग। सबसे बढ़िया हम लोग सबको पानी में बता देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 लीटर पानी दिया है, सबको पानी बता देते हैं। अब 100% में 50% अगर अम्ल है तो कितना परसेंट पानी हो जाएगा, 50% पानी हो जाएगा, तो 50% लिख देंगे पानी, प्लस पानी तो ऑलरेडी है ही, बराबर 30%, 100% में 30% अम्लीय है तो कितना परसेंट पानी हो जाएगा, 70% पानी हो जाएगा, तो 70% पानी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल वे में, देखिए 50% है तो 50 यहाँ पे लिख दिए, पानी 100% है तो 100% कुछ नहीं है तो 100% लिख देंगे। ये देखिए पानी यहाँ पे 70% है तो 70%। अब देखिए ऐसी मिक्सचर एलिगेशन द्वारा बनाएंगे, ठीक है सिंपली ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे ऐसे इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, इसमें से घटाएंगे तो कितना 20, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 जो है हमारे पानी के बराबर हो जाएगा, 9 लीटर पानी के बराबर, देखिए ये पानी 9 लीटर पानी के बराबर हो जाएगा, लिख देंगे 3 बराबर 9, 3 बराबर 9 हमको कितना चाहिए तो 2 बराबर चाहिए, तो 2 बराबर लिख देंगे वाट फिर। ठीक है सिंपली एकदम उसी के जैसा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 गुना 2 कर देंगे तो 9 गुना 2 अब बट्टा में ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने वाट बराबर ये हो जाएगा 3, यानी 3 3 का 9 यानी 3 दुना 6 लीटर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा 6 लीटर पानी हो जाएगा, 6 लीटर पानी। देखिए सिंपल एकदम बेस्ट तरीका, इसको इस तरीका के द्वारा आपको समझा रहे हैं, यह तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को सिंपली हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह का क्वेश्चन और भी आप लोगों को दिया जाएगा, डेली का डेली कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल पे हैं नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए इतना बेस्ट तरीका द्वारा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।